के हवाले से हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें हमने पहले दो लेक्चर पे बात की. अब थर्ड लेक्चर है उसी चैप्टर के ऊपर जिसमें हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन, या जिसको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम भी बोलते हैं. ठीक है, हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास ई कैट के अंदर किस किस तरह के सवाल जो है या किस किस तरह के एमसीक्यूज जो है वो इस पर्टिकुलर दो टॉपिक से मुतालिक आ सकते हैं. मेरे पास एक एमसीक्यूज जो है वो टाइप्ड है ऑलरेडी, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, जो कि जी 9 raised to power 1 plus x plus 9 raised to power 1 minus x is equal to 15 is called डैश इक्वेशन. यानी हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, रेडिकल इक्वेशंस, रेसिप्रोकल इक्वेशंस या साइमल्टेनियस इक्वेशन. अब अगर आप देखें वन बाय वन अगर हम इसको डिस्कस करें तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है. यानी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कैसी इक्वेशन है जिसके अंदर जो वेरिएबल है जैसे एक्स है, एक्स वेरिएबल जो है वो किसी कॉन्स्टेंट की एक्सपोनेंट की सूरत में आता है, यानी उसकी पावर की सूरत में आता है. ठीक है, तो ऐसे ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. तो हमारे पास ऑप्शन होगा ए, ए विल बी द राइट ऑप्शन. उसके बाद सेकंड ऑप्शन हम देख लेते हैं जो कि है रेडिकल इक्वेशन. रेडिकल इक्वेशन या इरेशनल इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास रेडिकल्स आते हैं, यानी जैसे जिसमें हमारे पास स्क्वेयर रूट में, जैसे स्क्वेयर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब ये जो इस टाइप की इक्वेशंस होंगी जिसमें रेडिकल्स आ जाएंगे उनको हम रेडिकल इक्वेशन बोलेंगे. उसके बाद है रेसिप्रोकल इक्वेशन. हम जस्ट एक आइडिया ले रहे हैं, ठीक है. रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या है? रेसिप्रोकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें जब आप एक्स की जगह 1 over x रिप्लेस करें तो इक्वेशन जो है वो एज इट इज रहे. यानी जैसे मैं ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स और प्लस ए इज इक्वल टू जीरो. जैसे अगर इस इक्वेशन में हम एक्स की जगह 1 over x रखते हैं, ठीक है, एक्स की जगह में अगर 1 over x रखता हूँ, चले जी हम यूं करके देख लेते हैं. मैं यहां से ये गिवन ऑप्शंस को रिमूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं जी, अगर मैं इस एक्स की जगह 1 over x रखूँ तो ए 1 over x की पावर 4 प्लस बी 1 over x की पावर 3 प्लस सी 1 over x का स्क्वेयर और प्लस बी 1 over x और प्लस ए एज इट इज इक्वल टू जीरो. अब अगर आप देखें तो इसको मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं. ये मेरे पास बन गया ए ओवर एक्स फोर प्लस बी ओवर एक्स थ्री प्लस सी ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस बी ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम हो जाएगा x raised to power 4. ठीक है, अब ये 1 time होगा तो ये आ जाएगा a, ये x time होगा तो आ जाएगा bx, ये x square time हो जाएगा आ जाएगा cx square और ये x cube time हो जाएगा तो आ जाएगा bx cube और ये जो कि by 1 है तो ये x 4 time होगा तो बन जाएगा ax 4 is equal to 0. अब अगर ये right side पे जाके multiply हो जाए तो this is the part जो कि अगर आप original equation से compare करें ax 4 plus bx cube प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए, तो ये दोनों एक जैसी इक्वेशंस हो जाएंगी. लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं कि दीज टाइप ऑफ इक्वेशन कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशंस. इसी तरह से हमारे पास फर्दर टाइप्स ऑफ इक्वेशन भी हैं, हम उन पे वन बाय वन डिस्कस करते हैं लेकिन साथ हम एमसीक्यूज को भी लेते जाते हैं ताकि हमें आइडिया होता जाए कि एमसीक्यूज को किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे. जैसे हमारे पास ये एमसीक्यू है जिसमें है जी नेम द टाइप ऑफ इक्वेशन स्क्वेयर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वेयर रूट एक्स प्लस बी इक्वल्स ई टाइम्स ऑफ स्क्वेयर रूट सी एक्स प्लस डी. अब बजाहिर देखने में लगता है कि ये इक्वेशन जो है, यानी हमें फर्स्ट जो गो में हमें लगता है ये इक्वेशन रेडिकल है, ठीक है, दिस इज ए रेडिकल इक्वेशन क्योंकि इसमें जो है वो स्क्वेयर रूट का साइन या हमारे पास रेडिकल साइन इस्तेमाल हुआ है. लेकिन जब हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए इज रैशनल, ऑप्शन बी इज इरेशनल, ऑप्शन सी इज रेसिप्रोकल एंड ऑप्शन डी इज नन, तो हमें जो रेडिकल की ऑप्शन नजर नहीं आती.
लेकिन अब ये अगेन आपको कंफ्यूज करने के लिए है या आपको टेस्ट करने के लिए है, बिकॉज वी नो कि जो रेडिकल इक्वेशन है ये जो इरेशनल इक्वेशन है ये सेम चीजें हैं, यानी हम रेडिकल इक्वेशन को ही इरेशनल इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो लिहाजा मैं इसको यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। जनरली स्टूडेंट्स क्या देखते हैं कि रेडिकल नहीं है तो नन पे क्लिक करते हैं, नन पे नन को मार्क करते हैं जो कि उनको उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप जो है बिल्कुल रिलैक्स हो के आप देखें कि आपके साथ कहाँ पे ट्रिक किया जा रहा है, उस चीज को फाइंड आउट करें एंड देन यू नो सेलेक्ट योर आंसर। तो यहाँ पे जैसे था कि रेडिकल मिसिंग था, जैसे हमने टाइप्स ऑफ इक्वेशन में रेडिकल पढ़ी तो रेडिकल मिसिंग था, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि वी कैन मार्क इरेशनल बिकॉज रेडिकल इक्वेशंस आर इरेशनल इक्वेशंस। इसी तरह से हम फर्दर कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन है जी, इफ एक्स इक्वल्स स्क्वेयर रूट टू प्लस स्क्वेयर रूट टू प्लस स्क्वेयर रूट टू प्लस यानी प्लस इन्फिनिटी, इसी तरह से चलता जा रहा है, देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट। अब ये भी क्या है, रेडिकल इक्वेशन है क्योंकि इसमें रेडिकल साइन यूज हुआ है, लेकिन यहां पे हमें टाइप नहीं बतानी, यहां पे हमसे पूछ रहा है कि एक्स विल बी सॉल्व टू व्हाट, यानी एक्स अगर हम सॉल्व करें तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वेयर रूट स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, बिकॉज रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए चूंकि स्क्वेयर में है, ठीक है, स्क्वेयर रूट है, तो स्क्वेयर रूट को खत्म करने के लिए हम स्क्वेयर लेते हैं, तो टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, जब इधर स्क्वेयर लेंगे तो जाहिर है ये, यानी इधर भी हमने स्क्वेयर लिया और इधर भी स्क्वेयर लिया, तो यहां पे स्क्वेयर लेने से ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा टू प्लस अगेन स्क्वेयर रूट टू प्लस स्क्वेयर रूट टू प्लस स्क्वेयर रूट टू एंड लाइक इस तरह से ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। और हम ये बात जानते हैं कि व्हाट दिस इज इक्वल टू, यानी ये किसके इक्वल है, यानी ये पूरी चीज किसके इक्वल है, ये तो हमने एक्स की इक्वल रखी हुई है, इसका मतलब ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टू प्लस एक्स, जो कि सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू। अब ये बन गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने बात ये की थी ये ऐसी टाइप्स ऑफ इक्वेशन है जिनको आप रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आ सकते हैं और फिर हम उनको क्वाड्रेटिक वे से सॉल्व कर लेते हैं। अब जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए और जस्ट आपके पास ऑप्शन में भी ए बी एंड सी गिवन है एंड फोर डी ऑप्शन है, तो इसमें बजाय ये कि आप इसको सिंप्लीफाई करने के आप सॉल्यूशन को टेस्ट करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 यहां पे रखता हूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2, 2, 2 माइनस 2 0, इसका मतलब है 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। माइनस 7 को रखिए, माइनस 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये कहीं से भी हमारे पास 0 नहीं आता। 4 रखे, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 जो है 12, 12 माइनस 2 जो है वो 8 विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, 2, तो हमने 2 को सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यू है वो है जी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से मुतालिक, और हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा, यानी अगर हमें यहां पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। इफ 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 होल रेज टू पावर x, यहां पे वेरिएबल एक्सपोनेंट की सूरत में आ रहा है, ठीक है, प्लस 4 माइनस स्क्वायर रूट 15 होल रेज टू पावर x इज इक्वल टू 62, देन व्हाट इज x, यानी यहां पे x की क्या पावर रखी जाए कि अगर हम इसको सॉल्व करें एंड देन इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जवाब जो है वो 62 आ जाए। अब इसको सॉल्व करना आसान है, किस तरह से, कि हम 1 by 1 सॉल्यूशन को टेस्ट करेंगे। जैसे मैं देखें 4 प्लस यहां पे अगर 2 रख दूं और यहां पे भी 2 रख दूं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जवाब किसके इक्वल आएगा, यानी एक्स की यहां पे क्या वैल्यू रखी जाए कि आपकी राइट हैंड साइड 62 आ जाए, ठीक है। तो उसका सिंपल सा जो वे है, ये जो सिंपल सा उसका तरीका है वो क्या है कि हम क्या करते हैं कि अगर 2 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 15 क्योंकि स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 ए बी 2 इंटू 4 इंटू स्क्वायर रूट 15, तो ये अगर आप देखें तो ये बन जाएगा 16 प्लस 15 31 प्लस 8 स्क्वायर रूट 15, तो ये आ जाएगा 31 प्लस, यहां पर मैं लिख देता हूं 31 प्लस 8 स्क्वायर रूट 15, और ये क्या बन जाएगा प्लस 31 माइनस 8 स्क्वायर रूट 15, चूंकि ये सब कुछ वैसे ही है लेकिन ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो अगर आप देखें तो 8 स्क्वायर रूट 15 और माइनस 8 स्क्वायर रूट 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, 31 प्लस 31 इज इक्वल टू 62, सो 2 इज द वन ऑप्शन। देखिए यहां पे अगेन आप स्टूडेंट्स के अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम है वो क्या है, पेशेंस नहीं है,
वो बस एक जैसे अभी टू आ गया आंसर, तो हमें लगता है कि बस टू ही राइट आंसर है। हाँ माइनस टू को चेक नहीं करेंगे, फोर को चेक नहीं करेंगे, तो हमारे पास जो बोथ ए ए एंड बी वाला ऑप्शन है वो हम छोड़ देते हैं। हो सकता है अब इसका मतलब है अगर टू आ गया, ठीक है टू अगर राइट आंसर है, इसका मतलब है फोर ऑप्शन नहीं हो सकता। फोर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, यानी फोर फोर एलिमिनेट हो गया। ठीक है फोर को हमने वैसे एलिमिनेट कर दिया क्योंकि हमारे पास टू, उसके बाद जब वो कहता है बोथ ए एंड बी, तो बी की पॉसिबिलिटी है कि बी ऑप्शन हो सकता है, सी ऑप्शन नहीं हो सकता चूंकि ए ऑप्शन हमारा निकल आया। अब अगर हम बी को देखते हैं, अगर हम बी की टेस्टिंग करते हैं, तो यही सारा काम हमें करना पड़ेगा। यानी अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव करूँ तो यही सारा काम हमें करना पड़ेगा। और किस तरह से कर सकते हैं, जस्ट ये बन जाएगा 1/4 + √15। ठीक है इसका स्क्वेयर, क्योंकि अगर पावर -2 रखेंगे तो वो डिनोमिनेटर में आके, इसको अगर आप पावर पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव बन जाएगी। 4 माइनस स्क्वेयर रूट 15 का होल स्क्वेयर। अब अगर आप देखें तो इसको हम यू सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी पूरे का पूरा एलसीएम आ जाएगा। ये किसके इक्वल है, ये है 31 + 8√15 के इक्वल। ठीक है और जो दूसरा है वो 31 - √15 के इक्वल है, और जो न्यूमरेटर में होगा यानी अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। और यानी अगर आप एलसीएम के साथ अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो 1 टाइम दिस इज इक्वल टू 4 - √15 होल स्क्वेयर और +4 + √15 होल स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा, ये बनेगा 62। ये सॉल्व होके हमारे पास बन जाएगा 62। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है अब जो ये चीज है, मुझे यहाँ पे a + b * a - b, यानी 31 का स्क्वेयर - 8, ये 8 है, 8√15 का स्क्वायर। ठीक है तो अब हम देखते हैं, अगर ये 1 आता है तो इसका मतलब है ये ऑप्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास 62 आ चुका हुआ है। अगर ये नीचे 1 आ जाए तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है अदरवाइज ये हमारे पास आंसर नहीं होगा। आप 31 का स्क्वायर मैं करता हूँ, 31 टाइम्स 31 1 3 एंड 3 और 9, तो 169, ये बनता है 961। जबकि 8 का स्क्वायर 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 4 20, 0 2 6 30, 32 यहाँ पे आ गया, 4 1 टाइम और 6 1 टाइम, तो ये बनेगा 069। तो देख लें 961 - 961, इसका मतलब है ये भी आंसर है, यानी ए बी सेटिस्फाई करता है एक्स की वैल्यू को, बी भी करता है। तो अगर आप पेशेंस शो नहीं करेंगे तो आप ए को सेलेक्ट करके, जो कि आपने वर्किंग भी की, आपका आंसर भी निकला, आप गलत आंसर मार्क करेंगे। अगर आप डी को सेलेक्ट करेंगे, डी इज द राइट आंसर, बिकॉज ए बी सेटिस्फाई करता है और बी भी सेटिस्फाई करता है, तो राइट ऑप्शन इज डी। इसी तरह से अभी हम फर्दर कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास एमसीक्यू है जी, इक्वेशन x^6 - 9x^3 + 8 = 0 इन क्वाड्रेटिक फॉर्म कैन बी रिटन एज, यानी ये अब हायर डिग्री इक्वेशन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है ये भी वन ऑफ द टाइप ऑफ इक्वेशन है जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। अब इसको अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा जाए तो किस तरह से लिखा जा सकता है, सबसे पहले t²+9t + 8 = 0, t²-9t + 8 = 0, और ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मैं t^6 को, यानी x^6 को लिख लूं x की पावर 3 और फिर पावर होल 2, यानी x³ का स्क्वायर, तो ये बिल्कुल बराबर है x^6 के, क्योंकि यानी जो हमारे पास एक्सपोनेंट का रूल है, पावर ऑफ पावर रूल, यानी पावर की पावर, तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो x^3 की पावर 2 का मतलब x^6 है, एंड देन -9x^3 + 8 = 0। अब अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लूँ, यानी ये जो रिड्यूस की जाती है इक्वेशंस क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, उसको हम सपोज करते हैं किसी अनदर वेरिएबल के साथ, जैसे मैं x^3 को अगर टी रख लूँ तो दिस विल बिकम, ये मेरे पास बन जाएगी टी, यानी ये पूरा बन जाएगा टी, तो t²-9t, सॉरी यहाँ पे मैं -9t, ठीक है 9t। देखें x³ जो है वो t के इक्वल है, वन x³ इज इक्वल टू t, तो
टी स्क्वेयर माइनस 9t प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो टी स्क्वेयर माइनस 9 ये नहीं हो सकता बिकॉज इसमें प्लस 9 है, टी स्क्वेयर माइनस 9t प्लस 8 इज इक्वल, सो दिस इज द ऑप्शन, ऑप्शन आंसर हमारे पास अगर बी है ये तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। इसी तरह से थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकती, फोर्थ भी नहीं हो सकती। तो किसी भी हायर डिग्री इक्वेशन को, यानी ऐसी इक्वेशन, नॉट ऑल, ऐसी इक्वेशन हायर डिग्री इक्वेशन जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं, वो भी टाइप ऑफ इक्वेशन में आती हैं, टाइप ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सूरत में हम उनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज किस तरह के हैं। हमारे पास एक और टाइप ऑफ इक्वेशन है जो कि जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि टाइप है जी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 880 इज इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये इक्वेशन किस तरह से आ जाएगी, टी स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर प्लस 2t माइनस 960 इक्वल 0, टी स्क्वेयर माइनस 2t प्लस 480 इक्वल 0, या टी स्क्वेयर माइनस 3t प्लस 300 इक्वल 0, या टी स्क्वेयर माइनस 3t माइनस 280 इक्वल 0। अब इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहां पे मुझे जो पेयरिंग बनानी है, मतलब मैं x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 करूं या x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 8 करूं, चूंकि मुझे मल्टीप्लाई कराना होगा दो दो जो हमारे पास एक्सप्रेशन हैं और उसके बाद हमें उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जो हमारे पास एक वे है, यानी एक ऐसा वे जो कि हमें सपोज करने में, यानी जो हमारे पास x की वैल्यूज होंगी उनको सपोज करने में हेल्प करेगा, ठीक है, सपोजिशन में हेल्प करता है, वो क्या तरीका है कि हमारे पास जो जो लीनियर हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं उसमें जो कांस्टेंट टर्म है उनके सम को आप डिवाइड कर देंगे टू के साथ, उनको सम को डिवाइड करेंगे टू के साथ, जैसे माइनस वन है इसका, प्लस फाइव है, प्लस एट है और प्लस टू है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू, तो ये आ जाएगा एट प्लस टू टेन प्लस फिफ्टीन माइनस वन फोर्टीन डिवाइडेड बाय टू विच इज इक्वल टू सेवन। इसका क्या मतलब हुआ, अब आपने ऐसे पेयर बनाने हैं जिनका जो सम है वो क्या बने, सेवन बने, जिनका सम क्या बने हमारे पास, सेवन बने। जैसे जैसे अगर मैं पेयरिंग करता हूं, जैसे अगर मैं पेयरिंग करता हूं, अभी आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये मैं क्या बात कर रहा हूं कि अगर मैं x माइनस वन का पेयर रखूं किसके साथ, x प्लस 8 के साथ, ठीक है, और यानी इसका इसके साथ और इन दोनों का पेयर आपस में, उसकी मैं आपको रीजन भी बता देता हूं अभी, ठीक है, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2, इसकी रीजन क्या है, यानी इसका फायदा क्या होगा, ठीक है, इसका फायदा ये होगा कि अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 8 माइनस 1, यानी इन दोनों का सम के साथ एक्स आ जाएगा, यानी ए बी का सम, ये ए है ये बी है, इन दोनों का सम, तो 8 माइनस 1 इज 7, तो 7 के साथ x एंड देन इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 8, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, जबकि यहां पे देखें तो ये भी बन जाएगा x स्क्वायर, तो इन दोनों का सम 5 प्लस 2 प्लस 7x और 5 टू जर 10 प्लस 10 इक्वल्स 0। अब यहां पे देखें, सो वी कैन सपोज दिस होल थिंग, x स्क्वायर प्लस 7 को हम t के को रख सकते हैं, जो कि यहां पे भी t ही होगा, तो t माइनस 8 और t प्लस 10, तो t माइनस 8 और t प्लस 10, इसको भी आप उसी फार्मूला से एक्सपैंड कर दें तो ये आ जाएगा t इंटू टी टी स्क्वेयर, इन दोनों के सम, तो 8 10 माइनस 8 कितना हो गया, 2 माइनस 8 प्लस 10, ठीक है, माइनस 8 प्लस 10, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू प्लस 2 और साथ t, उन दोनों का जो है हमारे पास बनता है सम, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट, 10 इंटू माइनस 8 तो बनता है माइनस 80 और माइनस 80 और माइनस 880 किया जाए जो कि ये है, ठीक है, जो कि यहां पे आपको नजर आ रहा है, तो ये बन जाएगा माइनस 960 माइनस 960, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, टी स्क्वेयर माइनस प्लस 2t माइनस 960 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं ई कैट के अंदर जिसको हमने डील करना होगा, टाइप्स ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड है, कहीं पे आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की पड़ेगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि हम ले आते हैं इस चीज के अंदर अपने लेक्चर के अंदर, वो ये है कि जब आप रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो रेडिकल इक्वेशन को सम टाइम सॉल्व करने से हमारे पास सोल्यूशन आते हैं, अब जो वैल्यू जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो बेसिकली उसका सोल्यूशन सेट में आएगी, क्योंकि रेडिकल इक्वेशन के सोल्यूशन सेट में तमाम जो इक्वेशन है
वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। जो एक्स्ट्रा हमारे पास रूट्स आते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स। क्या बोलते हैं? एक्सट्रेनियस रूट्स। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। लेकिन उसमें हम हमेशा जब भी इस तरह के सॉल्विंग इक्वेशंस आती हैं जिसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है एनी टाइप ऑफ इक्वेशन में, तो वहां पे हम रिवर्स स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं या रिवर्स इंजीनियरिंग, कि हम गिवन ऑप्शन के जो आंसर्स हैं वो उसमें पुट करके चेक करते हैं कि क्या वो वहां पे सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो हमने देखा जी हायर जो और डिग्री की इक्वेशन है वो भी हो सकती हैं हमारे पास, जो अभी हमने टाइप ऑफ इक्वेशन पढ़ी ऐसे भी हो सकती हैं, एक्सपोनेंशियल हो सकती हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन हो सकती हैं, और इसके बाद एक्सट्रेन जो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन हो सकती हैं, या हमारे पास जो है वो ए वाई प्लस बी और वाई इज इक्वल टू सी, इस टाइप की इक्वेशन भी हो सकती हैं जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर। अभी हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है इसके अंदर हम जस्ट एक एमसीक्यू देखेंगे, सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन, जिसको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम भी बोलते हैं। एमसीक्यू जो हमारे पास गिवन है जी वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई इक्वल्स 43 एंड वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू 5। आप इस तरह के इक्वेशन को, टू वेरिएबल इक्वेशन को बजाय अगर आप सॉल्व करना शुरू हो जाएंगे तो इट्स गोना टेक लॉट ऑफ टाइम, शायद आप पूरे ई कैट के अंदर एक ही क्वेश्चन कर पाए। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करें, आप वन बाय वन आई यू नो कि दिस इज एब्सिसा दिस इज ऑर्डिनेट दिस इज एब्सिसा दिस इज ऑर्डिनेट दिस इज एब्सिसा दिस इज ऑर्डिनेट। तो बजाय ये कि आप इनको इस तरह से सॉल्व करें, आप इन वैल्यूज को इंसर्ट करके चेक कर लें। मतलब अगर मैं फर्स्ट वैल्यू को इंसर्ट करता हूँ, एक्स की जगह वन रखो, वन का स्क्वायर वन प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन और प्लस फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस नाइन, फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस नाइन 25 इज नॉट इक्वल टू 43। इसका मतलब है ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये एक ही क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई नहीं करता। चले जी नेक्स्ट पे चले जाते हैं। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप ये खुद से करेंगे तो ये आपका जो है वो मिनट से भी शायद कम लगेगा। ठीक है, जिस तरह से सेकंड पे आ जाओ, टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन और प्लस फाइव इंटू फाइव इंटू टू इंटू थ्री, तो ये चेक कर लें जी कितना बनता है। फाइव इंटू टू 10 इंटू थ्री 30, 30 प्लस नाइन 39 प्लस फोर 43। ठीक है 43, इसका मतलब है दैट मेक्स सेंस, 9 प्लस 3 13 और 43 इज इक्वल टू 43। ये एक इक्वेशन के लिए सेंस बनाता है। जस्ट इन केस सम टाइम ऐसे होता है कि आपको एक इक्वेशन सेटिस्फाई करती है किसी पेयर को दूसरी नहीं कर रही होती, तो आप दूसरी के लिए भी चेक कर लें। मीन के 9 यानी वाई का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू टू 6 और माइनस 5 इंटू टू 10। ठीक है तो ये बन जाएगा 9 प्लस 6 15 माइनस 10 5, तो 5 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब बी इज द बेस्ट ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। तो आप इस तरह से जो टाइप्स ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन है, आप उनको बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं और बड़े शॉर्ट टाइम में हैंडल कर सकते हैं।